स्टडी आयल के इस वीडियो में मैं लेकर आया हूँ कन्वेंशनल क्वेश्चंस ऑन अनस्टडी फ्लो प्रोसेस, जो हम लोगों ने पिछले लेक्चर में कवर किया था अनस्टडी फ्लो प्रोसेस, उसके हम कुछ कन्वेंशनल क्वेश्चन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। देखिए, ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस टॉपिक से क्वेश्चंस आता ही आता है अनस्टडी फ्लो प्रोसेस से। कन्वेंशनल के लिए, कन्वेंशनल के हिसाब से ये क्वेश्चंस, ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हम कुछ कन्वेंशनल क्वेश्चंस इस वीडियो में देखेंगे जो आईईएस में कुछ पहले ईयर्स में पूछे गए हैं। ठीक है, तो देखते हैं। पहला कन्वेंशनल क्वेश्चन है जो मैंने पिछले लेक्चर में आपको दिया था करने के लिए, तो इसमें इसका आंसर देख लेते हैं, सॉल्यूशन देख लेते हैं। एन एयर कंप्रेसर इज यूज टू फिल रैपिडली एट 3 मीटर टैंक, यानी कि उसका वॉल्यूम दिया गया है 3 मीटर टैंक एट 20 डिग्री सेल्सियस एंड 180 atm, यानी कि ये सारे इनिशियल कंडीशन ऑफ टैंक दी गई है। द फिलिंग इज गवर्न बाय द लॉ पीवी की पावर गामा, यानी गामा 1.4, दैट इज एडियाबेटिक लॉ। ठीक है, द काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी इफेक्ट्स कितने लिए गए, नेगेटिव लिया गया है। द रेशियो ऑफ द फाइनल एंड इनिशियल मास ऑफ द ईयर कितना लिया गया, टैंक में जो इनिशियल और फाइनल मास था उसका रेशियो क्या दिया गया, फाइनल अपॉन इनिशियल 4। ठीक है, हमें क्या क्या निकालना है, स्केच द सिस्टम एंड लिस्ट द एजप्शन रेट और वर्क इनपुट टू द कंप्रेसर। ये कब पूछा गया था, ESE 2007 में पूछा था 15 मार्क्स के लिए। ठीक है, तो देख लेते हैं। देखिए, ये हमारा क्या हो गया, कंप्रेसर हो गया और ये हमारा हो गया टैंक। ठीक है, यहाँ से क्या हो रहा है, इनलेट हो रहा है, यानी कि इसको मान लेते हैं आई। ठीक है, और यहाँ से क्या हो रहा है आपका, एग्जिट हो रहा है कंप्रेसर से, तो उसको हमने मान लिया ई। ठीक है, और ये हम क्या दे रहे हैं, वर्क इनपुट दे रहे हैं जो हमें निकालना है। ठीक है, और ये टैंक है, टैंक की इनिशियल कंडीशन हमने मान ली V1, T1 और P2। ठीक है, देखिए यहाँ पे इसका वॉल्यूम तो कांस्टेंट रहेगा, यानी कि वॉल्यूम तो कोई चेंज नहीं होगा, यानी कि V1 = V2 = 3 मीटर, यानी कि ये दिया गया है 3 मीटर क्यों। ठीक है, P1 कितना है, 180 atm है और T1 कितना है, 20 डिग्री सेल्सियस है, और हमें क्या दिया गया है, एडियाबेटिक लॉ जो फॉलो कर रहा है वो हमें दिया गया है, पीवी की पावर 1.4 इक्वल टू सी और फाइनल अपॉन इनिशियल मास ऑफ द टैंक जो फील्ड है तो उसका दिया गया 4। ठीक है, क्या क्या एजप्शन है, काइनेटिक एंड पोटेंशियल इफेक्ट्स आर नेगलिजिबल। ठीक है, और एडियाबेटिक प्रोसेस क्या है, एडियाबेटिक प्रोसेस है क्योंकि वो दिया गया आपको पीवी की पावर गामा इक्वल टू सी, तो क्यू इक्वल टू 0 होगा, ना हीट इनपुट होगी ना आउटपुट होगा। ठीक है, अब इसमें कंट्रोल वॉल्यूम कौन सा हो जाएगा, कंट्रोल वॉल्यूम ये आपका पूरा हो जाएगा क्योंकि हम पूरा कंसिडर कर रहे हैं। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, कंट्रोल वॉल्यूम हो गया। ठीक है, इस पूरे को कंट्रोल वॉल्यूम ले सकते हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब देखिए हमें क्या करना है, वर्क इनपुट फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो हमने क्या किया, एनर्जी इक्वेशन लगाई फॉर द कंप्रेसर, कंप्रेसर के लिए ही केवल। देखिए, मान लिया मैं यहाँ पे एक डायग्राम बना देता हूँ आपके लिए। ठीक है, ये मान लीजिए आपका कंप्रेसर है। ठीक है, खाली कंप्रेसर बता रहा हूँ। ठीक है, यहाँ से इनपुट हो रहा है और यहाँ से आउटपुट हो रहा है और ये आपको उसमें वर्क देना पड़ रहा है। ठीक है, तो इनपुट के लिए, यानी कि आई माना था हमने, इनपुट के लिए क्या हो जाएगा, अगर हम एनर्जी इक्वेशन लगाएं, इसमें स्टडी एनर्जी इक्वेशन लगाएं तो क्या हो जाएगा, ये एम ई हो जाएगा, सॉरी। ठीक है, तो यानी कि इनलेट में क्या हो जाएगा, एम आई इनलेट हो गया उसका मास और एम ई हो गया उसका एग्जिट मास। ठीक है, हालांकि दोनों क्या होंगे, सेम होंगे, एम आई इक्वल टू एम ई होगा। ठीक है, और एम आई इंटू एच आई क्या हो गया, एंथैल्पी ऑफ इनलेट और एच ई हो गया एंथैल्पी ऑफ आउटलेट और डब्ल्यू आपका क्या हो गया, वर्क इनपुट। ठीक है, तो ये आपका क्या हुआ, कंप्रेसर में जो एनर्जी इक्वेशन लग रही है वो कंप्रेसर की बनेगी। देखिए हमें क्या है, अब देखेंगे अनस्टडी एनर्जी इक्वेशन ऑफ ऑर्डर टैंक, टैंक है। ठीक है, अब टैंक के लिए हमें अनस्टडी एनर्जी इक्वेशन होगी क्योंकि इसमें फेल हो रहा है। ठीक है, तो जो इनलेट हो रहा है, इनलेट क्या होगा, यहाँ पे ई वाला इनलेट होगा। ठीक है, जो ये वाला था ये वाला इनलेट हो रहा था। ठीक है, और आउटलेट तो कुछ है नहीं क्योंकि आउटलेट 0 होगा। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, केवल इसकी इंटरनल एनर्जी चेंज होगी, जो भी चीज़ है इसकी स्टोर एनर्जी में के फॉर्म में जाएगा। ठीक है, अनस्टडी में तो यही होता है। तो क्या होगा, M2U2 - M1U1, यानी कि जो पहले की इसकी इंटरनल एनर्जी थी उसको क्या हो जाएगा, जो बाद में उससे माइनस कर देंगे तो उसकी चेंज आ जाएगा, M2U2 - M1U1, दैट इज एनर्जी स्टोर, जो हमने क्या किया था, अनस्टडी एनर्जी इक्वेशन लगाई थी। ठीक है, इंटू इक्वल टू एम इंटू एच ई, यानी कि जो इनलेट वाली हमारी इक्वेशन है, आउटलेट तो हमारा कुछ हो नहीं रहा है तो वो 0 हो जाएगा। ठीक, तो एम ई इंटू एच ई, अब यहाँ से क्या करेंगे, एम ई एच ई अगर हम यहाँ से निकाल लें, यहाँ से निकाल लें एम ई एच ई और हम इसमें पुट करें तो हमारी डब्ल्यू की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, लेकिन हमारा एम आई कितना है, एम आई क्या होगा, देखो जो हमारा पहले मास था जिसमें टैंक का और जो बाद में मास था टैंक का उसमें से हम माइनस कर दें, यानी कि जो बाद का मास था उसमें से हम पहले का मास का माइनस कर दें तो हमारा एम आई आ जाएगा, यानी कि रेट फ्लो आ जाएगा ना। हाँ,
ठीक है। तो हम इसमें क्या करेंगे, एम आई की वैल्यू पुट कर दी यहाँ पे, ठीक है, फर्स्ट वाली इक्वेशन में, इस वाले में, ठीक है, हमने क्या किया, डब्ल्यू निकाल लिया उससे, ठीक है, और एम इंटू एच की वैल्यू हमने इसमें पुट कर दी, ये वाली वैल्यू, ठीक है। तो आपकी ये इक्वेशन बन गई, ठीक है। अब देखिए एच आई को हम क्या लिख सकते हैं, सी पी टी वन, ठीक है, स्पेसिफिक हीट एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, और स्पेसिफिक हीट एट कॉन्स्टेंट वैल्यू हम लोग पहले कर चुके हैं, एच इक्वल टू सी पी टी होता है और यू इक्वल टू सी पी सी वी टी होता है, ठीक है। तो हमने इसमें इस फॉर्म में इसको रख दिया, ठीक है, कोई यहाँ तक तो प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। अब यहाँ पे देखिए हमें टी वन मालूम है, एम वन मालूम है, नहीं मालूम है, एम टू मालूम है, नहीं मालूम, लेकिन इसका रेशियो मालूम है, और हमें क्या नहीं मालूम है, टी टू मालूम नहीं है, यानी कि तीन क्वांटिटी हमें मालूम नहीं है। तो हम इन तीन क्वांटिटीज को निकालेंगे आगे। देखिए पी वी इक्वल टू एम आर टी होता है, ये तो पता है, ठीक है। तो पी वन वी वन इक्वल टू एम वन आर टी वन होगा, ठीक है, आर टी वन, ठीक है। पी वन हमें मालूम है कितना है, 180 एम है। वी वन हमें मालूम है कितना है, 3 मीटर क्यूब है। आर कितना होता है, 0.287 होता है, ठीक है। और एम वन हमें निकालना है, टी वन कितना है हमारा, टी वन है 303 केल्विन, आई थिंक 303 केल्विन दिया गया, 20 डिग्री सेल्सियस, 293 दिया गया, ठीक है, 293 केल्विन। तो यानी कि टी वन हम 293 केल्विन रखेंगे, सारी वैल्यू रखेंगे तो हमारी एम वन की वैल्यू जाएगी 3.566 केजी, ये आप सॉल्व करके खुद ही देखिए, ठीक है। और एम टू की वैल्यू आ जाएगी, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि रेशियो दिया गया था, तो 14.264 केजी, ठीक है। अब इसमें हम क्या करेंगे, देखो हमारा एम वन आ गया, एम टू आ गया, ठीक है, हमें क्या निकालना है, टी टू निकालना है, ठीक है। देखो हमें ये लॉ दिया था पी वी की पावर गामा इक्वल टू कॉन्स्टेंट, यानी कि 1.4, ठीक है। तो इसकी इक्वेशन क्या होती है, जो मैं पहले बता चुका हूँ आपको, टी टू अपॉन टी वन इक्वल टू पी टू अपॉन पी वन की पावर गामा माइनस वन अपॉन गामा, और वी वन की अपॉन वी टू की पावर गामा माइनस गामा, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है, यही निकालना है, ठीक है। तो उसके लिए हम टी टू के लिए क्या करेंगे, देखिए ये वाला हमें प्रेशर पी टू तो मालूम नहीं, तो हम ये वाली नहीं लगाएंगे, हम ये वाली इक्वेशन लगा सकते हैं, क्योंकि देखो वॉल्यूम हमें मालूम है, स्पेसिफिक वॉल्यूम दिया गया वी वन, तो हम क्या रखते हैं, एम वन अपॉन वी एम टू, इसकी जगह हम ये रख सकते हैं ना, ठीक है, स्पेसिफिक वॉल्यूम दिया अपॉन गामा माइनस वन, यानी कि 1.4 माइनस वन, यानी वो सब सारी वैल्यू, यानी वी की क्या है, 3 मीटर पर 3 मीटर है, 3 मीटर की है वी की, 3 मीटर की, एम वन हमें पता है, एम टू हमें पता है, इसमें सारी वैल्यू रखेंगे और हम निकाल लेंगे, टी वन की वैल्यू हमें पता है, ठीक है, टी टू की वैल्यू निकाल लेंगे, वो कितनी आएगी, 509.82 केल्विन, ठीक है। यानी कि हमें एम टू मालूम हो गया, एम वन मालूम हो गया, सी पी हमारा एयर का कितना होता है, सी पी ऑफ एयर कितना होता है, हमारा सी पी ऑफ एयर होता है 1.005, ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी पड़ेगी, और हमारा सी वी कितना होता है, 0.87, ठीक है, इतना ही रख दीजिए, काफ़ी है, अप्रॉक्स वैल्यूज है ये, ठीक है। तो ये वाली वैल्यू रखोगे तो आपको आंसर आ जाएगा, W की वैल्यू आ जाएगी -1308.7 किलो जूल, यानी कि इतना कंप्रेसर पे काम करना पड़ रहा है, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा ये क्वेश्चन, आप खुद ही सॉल्व करके देखिए ना, तो आपको और कॉन्फिडेंस आएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो इसी टाइप का क्वेश्चन था, जो किसमें पूछा गया था, IES मेंस के क्वेश्चंस में पूछा गया था, जो 2014 में लिया गया था, मेंस में मैकेनिकल इंजीनियरिंग के पेपर सेकंड में पूछा गया था, 2014 में सेम क्वेश्चन था, क्या है देखिए, अब रेसिप्रोकेटिंग एयर कंप्रेसर इज यूज टू फिल रैपिडली अ 3 मीटर क्यूब टैंक, इसमें भी दिया गया था एट 30 डिग्री सेल्सियस, लेकिन इसमें क्या दे दिया, 30 डिग्री सेल्सियस दे दिया एंड 1 बार, ठीक है। द फिलिंग प्रोसेस इज गवर्न बाई एडियाबेटिक, ठीक है, द एफेक्ट ऑफ द काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल 0 माना है, द रेशियो ऑफ द फाइनल इनिशियल भी 4 माना है, वर्कआउट क्या क्या करना है, ड्रॉ द सिस्टम एंड सो द कंट्रोल वॉल्यूम, लिस्ट द एजम्पशन मेट्स, क्या क्या एजम्पशन मेट कर रहे हैं, ये इस क्वेश्चन में हमने किया था, व्हाट वुड बी द वर्क इनपुट टू द कंप्रेसर इफ द मैकेनिकल एफिशिएंसी इज 90%, ठीक है। देखिए इसमें उन्होंने क्या दे दिया, मैकेनिकल एफिशिएंसी 90% दे दी गई है, यानी कि कितना काम कर रही है, 90% कर रही है, तो कितना इनपुट देना पड़ेगा, जस्ट उसका क्या करो आप 90% उसमें ऐड कर दो, यानी 90% निकाल के उसमें ऐड कर देना, नहीं क्या करोगे, देखो एफिशिएंसी दी गई, मैकेनिकल एफिशिएंसी दी गई है आपको, ठीक है, तो क्या होगा, जो आपका एक्चुअल वर्क होगा, एक्चुअल वर्क, यानी कि जो हमें एक्चुअल वर्क चाहिए अपॉन रिक्वायर्ड वर्क, यानी कि जो आप दे रहे हैं, एक्चुअल वर्क अपॉन जो आप वर्क दे रहे हैं, यानी कि वर्क इनपुट, इतना चाहिए लेकिन हम इतना दे रहे हैं, ठीक है, तो वर्क इनपुट आप कितना दे रहे हैं,
वो आप निकाल लेंगे इससे, और एक्चुअल वर्क आप कितना प्रोवाइड कर रहे हैं वो उसमें मल्टीप्लाई करके निकाल लें, यानी कि क्या होगा आपका एक्चुअल वर्क कितना हमें चाहिए, ठीक है। तो वो आप यहाँ पे आ जाएगा, यानी कि वो डब्ल्यू यहाँ से निकाल लेंगे और डब्ल्यू इनपुट यहाँ पे रख के और एन की वैल्यू यहाँ पे, यानी कि जो आपका डब्ल्यू कंप्रेसर नॉर्मली जो पिछले क्वेश्चन में किया था वो निकाल लेंगे, ठीक है। उसकी वैल्यू कहाँ पुट कर देंगे, यहाँ पे पुट कर देंगे और यहाँ पे वर्क इनपुट की वैल्यू निकाल लेंगे इसको डिवाइड करके, ठीक है। ये आप खुद ही प्रैक्टिस कीजिए, ये क्वेश्चन बिल्कुल सेम क्वेश्चन है जो आईएएस पे पूछा गया था। अगला क्वेश्चन लेके चलते हैं हम लोग, देखिए ये क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, अ टैंक कंटेन्स 50 केजी ऑफ वाटर इनिशियली एट अ टेम्परेचर ऑफ 30 डिग्री सेल्सियस। एक टैंक है जिसमें क्या है 50 केजी ऑफ इनिशियल मास उसका कितना है 50 केजी है और 30 डिग्री सेल्सियस पे रखा हुआ है। वाटर एट द रेट ऑफ 200 केजी पर आवर एंड टेम्परेचर ऑफ 30 डिग्री एंटर द टैंक थ्रू एंड इनलेट पाइप। एक इनलेट पाइप से क्या किया, इतना मास फ्लो रेट हो रहा है उसका और टेम्परेचर कितना 30 डिग्री सेल्सियस ही है, ठीक है। अ कूलिंग कॉइल इमर्ज इन द टैंक रिमूव द हीट एनर्जी फ्रॉम द वाटर एट द रेट ऑफ 8 किलोवाट, यानी एक कूलिंग कॉइल लगा दी वहाँ पे और वो कितने रेट से हीट रिमूव कर रहा है 8 किलोवाट के रेट से, ठीक है, हीट रिलीज कर रहा है, हीट निकाल रहा है वहाँ से वाटर से। अ मैकेनिकल स्ट्रेन इंश्योर थ्रू द मिक्सिंग ऑफ वाटर इन द टैंक सो एज टू मेंटेन अ यूनिफॉर्म टेम्परेचर ऑफ वाटर एट एनी इंस्टेंट इन द प्रोसेस एंड एट द हीट एनर्जी एट द रेट ऑफ 0.2 किलोवाट टू द वाटर, ठीक है। एक क्या कर दिया उन्होंने, स्ट्रेयर लगा दिया उसके अंदर, जिससे क्या हुआ सारा का सारा जो सब सारा वाटर का क्या करना है टेम्परेचर यूनिफॉर्म करना है, तो उसके लिए हमने क्या कर दिया एक स्ट्रेयर लगा दिया, ठीक है। तो वो कितनी एनर्जी प्रोवाइड करा दे रहा है, हीट दे रहा है उसमें वाटर में 0.2 किलोवाट, ठीक है। Neglecting the kinetic energy and potential energy changes and take the average specific heat of water दी गई 4.2 kilojoule per kg Kelvin, draw the relation for the variation of instantaneous temperature of water in the tank with respect to time, यानी कि हमें क्या करना है जो temperature change हो रहा है उसमें water tank water में, ठीक है, उसका हमें relation निकालना है with respect to time, किस हिसाब से time के respect में वो चेंज हो रहा है, तो हम उसका रिलेशन निकाल लें, ठीक है। तो चलो हम देखते हैं कैसे करना है। ये देखिए एक टैंक है, ठीक है, इसमें क्या है, ये इनलेट पाइप है, ये इनलेट पाइप हो गया आपका, ठीक है, और ये क्या हो गया आपका, ये आपका हो गया कूलिंग कॉइल, ये वाला आपका हो गया कूलिंग कॉइल, तो जो कितना क्यू दे रहा है 8 किलो वाट से हीट रिलीज कर रहा है, यानी कि नेगेटिव में होगा, ठीक है। और ये क्या कर रहा है 0.2 के हिसाब से क्या कर रहा है हीट इनपुट कर रहा है, 0.2 के हिसाब से किलोवाट के हिसाब से हीट इनपुट कर रहा है स्ट्रेयर, ठीक है। और ये आपका क्या होगा टैंक इनलेट, यानी कि वाटर इनलेट हो रहा है यहाँ से, ठीक है, एट द रेट ऑफ एम से मान लीजिए, ठीक है, M1 से मान लीजिए इससे इनलेट हो रहा है, और इसका इनिशियली मास कितना है M0 मान लीजिए और टेम्परेचर कितना T1 मान लीजिए, ठीक है, यानी कि M0 कितना 50 kg, T1 इतना दिया गया। देखिए हमारी एनर्जी इक्वेशन क्या होती है, ये एनर्जी इक्वेशन होती है आपकी जो मैंने लास्ट उसमें लेक्चर में आपको बताया, ठीक है। इसमें क्या होगा आउटलेट क्या होगा, आउटलेट जीरो है, यानी कोई आउटलेट नहीं हो रहा है यहाँ से कोई आउटलेट हो रहा नहीं हो रहा, तो ये वाला पार्ट जीरो हो गया। कोई आप आर्बन कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, तो ये भी आपका पार्ट जीरो होगा, ठीक है। वेलोसिटी कोई क्या है, वेलोसिटी भी आपकी इसकी जीरो मान के चल रहा है, यानी कि नेगेटिव लेवल मान के चल रहा है, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, तो ये भी आपका जीरो हो गया। बचा क्या क्यू और आपको बचा M1 H1, यानी कि ये क्या होगा DEV/DT क्या हो जाएगा आपका Q M1 H1। M1 क्या आपका 200 kg पर आवर है, ठीक है, kg पर आवर। H1 क्या हो जाएगा CP, यानी CP जो दिया गया आपको कितना दिया गया 4.2 दिया गया, और क्या दिया गया आपको T, यानी कि T1 कितना 303 केल्विन, ठीक है। क्यू क्या हो जाएगा आपका क्यू नेट हो जाएगा, ये क्यू नेट क्या हो जाएगा जो आप कूलिंग कॉइल लग रहा है जिससे आपके रिलीज हो रहा है हीट रिलीज हो रही है सॉरी जो आपकी हीट रिलीज हो रही है वो कितनी है 8 - 8 और जो हीट मिल रही है कितनी 0.2, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया नेट हीट हो जाएगा क्यू, ठीक है। तो जब इसमें आप पुट करेंगे तो आपका आ जाएगा कितना DE/DT कितना आ जाएगा 62.19, ठीक है, ये आपका DE/DT आ गया। अब इसको यहीं पे छोड़ दीजिए, आप देखते हैं ई इक्वल टू क्या होता है MU होता है, ये तो आपको पता है इंटरनल एनर्जी इनटू मास, ये तो आपको पता है स्टोर्ड एनर्जी के फॉर्म में MU होता है, ठीक है। अगर हम काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी इसको जीरो मान के चले नहीं जीरो मान के चले तो MU होता है, ठीक है। जब इसका हम डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो क्या आ जाएगा MdU/dt UdM/dt, ये भी हो जाएगा, ठीक है।
अब इसके बाद देखिए हमने क्या किया, यू को क्या लिख सकते हैं हम लोग, यू को हम लिख सकते हैं सी वी डेल्टा डी, ठीक है, लेकिन सी कॉन्स्टेंट लेके चलो, सी पी लेके चल रहा हूँ मैं, कोई नहीं, सी सी ले लो खाली, ठीक है, सी पी मतलब सी ले लो यहाँ पे, ठीक है, तो क्या आ जाएगा सी एम डी टी बाई डी टी, ठीक है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा टी डी एम डी टी बाई डी टी, क्योंकि हम इसको क्या लिख रहे हैं, यू को हम लेके चल रहे हैं एम एम नहीं सॉरी यू को हम लेके चल रहे हैं सी सी टी, ठीक है, तो हमने इसमें सारी वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी, ठीक है। अब इसमें देखिए ये वाला डी बाई डी टी इस फॉर्म में आ गया। अब देखिए एम क्या होता है, देखिए एम क्या है, डी एम बाई डी टी, जो एम वन के फॉर्म में हम लेके चल रहे थे, डी एम बाई डी टी किसके इक्वल है, वो आपका था 200 किलो जूल पर आवर, और उसको हम अगर पर सेकंड में करेंगे, के जी पर सेकंड में, तो कितना आएगा आपका, लगभग 0.55, ठीक है, किलो के जी पर सेकंड, ठीक है, ये है। जब आप इसको इंटीग्रेट करें, यानी कि इसको क्या करो, डी एम को साइड रहने दो और 0.055 इंटू डी टी, ठीक है, आपने ये किया। अब इसको क्या करो, इंटीग्रेट करो विद रिस्पेक्ट टू मास के कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, तो इनिशियल मास क्या था, एम नॉट था, और फाइनल मास क्या हो जाएगा आपका, फाइनल मास मान लो आप एम मान लो, ठीक है, और यहाँ पे क्या है, इनिशियल टाइम जीरो और फाइनल टाइम टी मान लिया, ठीक है। जहाँ पर इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका, एम इक्वल टू एम नॉट 0.055 टी, ठीक है। तो ये एम की वैल्यू हम कहाँ पुट कर देंगे, एम की वैल्यू हम इसमें पुट कर देंगे, ठीक है, इस वाले में, ठीक है। तो जब हम एम की वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो क्या आएगा, हमारा सारा का सारा फॉर्म किस में आ जाएगा, टी के फॉर्म में आ जाएगा, और ये एम नॉट तो कॉन्स्टेंट है, ठीक है, तो डी टी और टी के फॉर्म में सारा फॉर्म आ जाएगा आपका, ठीक है। जब आप इसमें पुट करेंगे, इसके बाद क्या करेंगे, जो टी वाला टर्म है मैं यहीं पे करके दिखा दे रहा हूँ, इसमें क्या करो आप डी टी का मल्टीप्लाई करो, ठीक है, और देखिए डी बाई डी टी की जगह हम कौन सी वैल्यू पुट कर देंगे, ये भी कॉन्स्टेंट है, ये वाली वैल्यू पुट कर देंगे, यानी कि ये वाली वैल्यू इसमें पुट कर देंगे, ठीक है। जहाँ हम डी टी का मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे, तो सारी की सारी डी टी क्या जाएगा, इसके फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। उसको क्या करेंगे, फिर उसके बाद इंटीग्रेट कर देंगे। देखिए मैं एक कुछ करके दिखा दे रहा हूँ, थोड़ा बहुत ऊपर देखिए 6.22 मैं इक्वल वाला पॉइंट नहीं ले रहा हूँ, 62.19 इक्वल्स टू किसके इक्वल हो जाएगा, सी, ठीक है, एम की जगह ये रखेंगे तो एम नॉट प्लस एम नॉट प्लस 0.055 टी डी टी बाई डी स्मॉल टी, ठीक है, इसको इसमें ब्रैकेट में डाल दो, ठीक है, प्लस टी डी एम बाई डी टी की जगह हम क्या रख सकते हैं, डी एम बाई डी टी की जगह हमारी क्या वैल्यू थी, 0.05, ठीक है, ये तो हो गया वही। अब इसको क्या करो, डी टी से दोनों इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर दो, डी टी यहाँ से मल्टीप्लाई कर दो और डी टी इसमें मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, तो आपका ये वाला टर्म एज इट इज आएगा, इक्वल टू क्या जाएगा, सी, ये वाला टर्म भी यही आ जाएगा, मैं नहीं लिख रहा हूँ, और ये क्या बन जाएगा आपका डी टी, यानी डी टी से डी टी कैंसिल हो जाएगा, ये वाला स्मॉल टी कैंसिल हो जाएगा टाइम वाला, यहाँ पे आएगा डी टी टेम्परेचर वाला आ जाएगा, प्लस 0.055 और डी टी टाइम वाला आ जाएगा, ठीक है। इसको क्या करेंगे आप, डी टी वाला टर्म फिर से इस साइड लेके जाएंगे, तो दोनों डी टी वाला हम एक साइड आ जाएंगे, यानी कितना क्या आ जाएगा आपका, 62.19 प्लस 0.005 सॉरी यहाँ पे 0.05 टी के फॉर्म, हाँ ठीक, 0.05 टी, और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, टी था तो यहाँ पे टी लिख लीजिए आप, ठीक है, ये आपका एक टर्म आ गया डी टी स्मॉल टी इक्वल्स टू किसके इक्वल आ जाएगा, एम नॉट प्लस 0.055
एम नॉट की जगह आप वैल्यू भी देख सकते हैं उसकी, जो आपको वैल्यू दी गई इनिशियल वाली, ठीक है, टी, और ये आपका आ गया टेम्परेचर वाला डी टी, ठीक है। इसको आप इस साइड ट्रांसफर कर दीजिए, उसको आप इस साइड ट्रांसफर कर दीजिए, तो डिवाइड में आ जाएगा, और उसको इंटीग्रेट कर दीजिए, ठीक है। तो इंटीग्रेट करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, ये थोड़ा बहुत आपको सॉल्व करना होगा, खुद ही सॉल्व कीजिए, आपका ये आंसर मिल जाएगा, यानी कि ये रिलेशन मिल जाएगा आपको, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया, आप खुद ही सॉल्व करके देखिए, मैंने एक आइडिया दे दिया आपको किस तरीके से उसको सॉल्व करना है, ठीक है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं जो आपको खुद ही करना है सॉल्व, ठीक है। तो देखिए अब प्रेशर सिलेंडर, इसका सॉल्यूशन आपको नेक्स्ट लेक्चर में मिलेगा जो कि आगे आएगा, ठीक है। तो ये देख लीजिए, अब प्रेशर सिलेंडर ऑफ वॉल्यूम वी कंटेन्स एयर एट प्रेशर पी नॉट, ठीक है, एयर किस प्रेशर पे इनिशियली पी नॉट एंड टेम्परेचर टी नॉट, ठीक है। इट इज फिल्ड फ्रॉम अ कंप्रेस्ड एयर लाइन कंटेनिंग एट अ कॉन्स्टेंट प्रेशर पी वन एंड टी वन, ठीक है। जो भी कंप्रेस्ड लाइन है, जो भी लाइन है आपकी, वो किस प्रेशर पे पी वन और टी वन पे, जिससे हम फिल कर रहे हैं इस टैंक को, ठीक है, इस सिलेंडर को। सो दैट द टेम्परेचर ऑफ द एयर इन द सिलेंडर आफ्टर इट हैज बीन चार्ज टू द प्रेशर ऑफ द लाइन इज गिवन बाई, यानी कि इस फॉर्म में हमें प्रूफ करना है कि टेम्परेचर जो आ रहा है, यानी कि फाइनल टेम्परेचर आ रहा है चार्ज के बाद, तो वो ये आ रहा है, ठीक है। आपको खुद ही सॉल्व करके इसको करना है, इसका आंसर आपको नेक्स्ट लेक्चर में मिलेगा। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा ये, ठीक है। देखिए इसमें कन्वेंशनल, मैं फिर से बोल रहा हूँ कि अनस्टडी फ्लो प्रोसेस में कन्वेंशनल क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, इसमें एंट्रोपी वाला पार्ट भी आता है, वो एंट्रोपी वाला पार्ट मैं जब एंट्रोपी पढ़ाऊंगा तो उसके साथ मैं वो भी इंक्लूड करूंगा, लेकिन इससे क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो आप इसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए फॉर द कन्वेंशनल क्वेश्चन। ये आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में बहुत कम पूछा जाता है, लेकिन कन्वेंशनल क्वेश्चन में ज़्यादा पूछा जाता है, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आया, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसको चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, और कमेंट के फॉर्म में आप इसके आंसर्स भी दे सकते हैं, और आप बता भी सकते हैं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा और क्या इम्प्रोवाइज करना चाहिए मुझे इस इन वीडियोज़ में, ये आप कमेंट के फॉर्म में बता सकते हैं। थैंक यू।